लिवर्ड इन्वेस्टमेंट्स को इवेल्युट करने के लिए एक और मैथड जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट एक्विटी विच इज अप्रोच के अंदर यू नीड टू हैव द कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू द एक्विटी होल्डर्स ऑफ द लिवर्ड फॉर्म लिवर्ड का मतलब होता है कि आप लोन ले रहे

कैश पेड ऑन इंटरेस्ट एंड कैश पेड इन टैक्सेज सो इसी को देखने के लिए हमने इफ वी लुक एट दिस फॉर्मूला के सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज दिस इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस इन विच यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू तो सबसे पहले आप लीवर्ड कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं लीवर्ड कैश फ्लो के के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू यू सी एफ यू सी एफ इज अनलिवर्ड कैश फ्लो और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया है वन माइनस टी सी वेर

आपने अनलिड कैश फ्लो में से सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास लिवर्ड कैश फ्लो आ जाएगा लिवर्ड कैश फ्लो कैलकुलेट करने के बाद द द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट डिस्काउंट रेट फॉर और उसके लिए वॉट वी डू इज द डिस्काउंट रेट फॉर लिवर्ड एक्विटी इज सिंपली द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द स्टॉक्स प्राइस इन द मार्केट तो स्टॉक की जो प्राइस मार्केट में अवेलेबल है आप उस इंफॉर्मेशन को लेंगे तो दैट विल गिव यू अ मैजर ऑफ डिस्काउंट रेट ऑफ लिवर्ड एक्विटी नाउ

जो आप सूद दे रहे हैं आ, वो आर बी है आपका फाइन सो so, इस वैल्यू इस फॉर्मुला में ये सारे गिवन वैल्यूज को आप अलग करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिस्काउंट रेट फॉर लिवर्ड एक्विटी और द लिवर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा आपके पास

एंड देन इन ऑर्डर टू फाइंड द नेट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनिशियल कैश आउटफ्लोस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसकी मदद से आप अंदाजा लगाएंगे कि आपको कितना लेवरेज करना है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स को तो ओवरऑल जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जो डेट फाइनेंसिंग कितनी करनी है और एक्विटी फाइनेंसिंग कितनी करनी है तो दिस इज द सेकंड वे एफटीई मेथड that helps us in analyzing or evaluating the leeward investments.